दोस्तों हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को भी क्लिक करें। नोकिया ने ताइवान में लॉन्च कर दिया दोस्तों नोकिया X71, जो कि ग्लोबल लेवल पे नोकिया 8.1 प्लस के नाम से जाएगा। और ये स्पेसिफिकेशन इसके कमाल के हैं, लेकिन प्राइस में मुझे थोड़ा सा ओवरप्राइस लगा दोस्तों। इसी के बारे में बात करेंगे, क्या है स्पेसिफिकेशन, क्यों मुझे थोड़ा सा ओवरप्राइस लगा। हाँ, नोकिया का ब्रांड है बट स्टिल थोड़ा सा ओवरप्राइस है, क्योंकि इसके बहुत अच्छे स्मार्टफोन आते हैं बट प्राइस थोड़ा ऊपर होने की वजह से कोई लेता नहीं है। नोकिया X7 जैसा चला था 7.1 प्लस उसके जैसा, और 5.1 प्लस सॉरी 6.1 प्लस और 5.1 प्लस जैसे चले थे उसके, और कोई स्मार्टफोन अब नहीं चले क्योंकि प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा है। और मेरे हिसाब से अगर इंडिया में लॉन्च करते उसे थोड़े कम प्राइस में लॉन्च करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। इसी के बारे में बात करेंगे, चलते हैं सीधे वीडियो की तरफ। पसंद आया तो लाइक कमेंट और शेयर कर देना, नहीं पसंद आया डिसलाइक करना, मुझे बताना क्यों पसंद आया। लेट्स गेट स्टार्टेड। नोकिया X71 जो कि ताइवान में लॉन्च हुआ है दोस्तों 26,000 रुपये में, 26-27,000 अगर कन्वर्ट करोगे इंडियन पर पैसे के हिसाब से तो 26-27,000 रुपये इसका प्राइस है। और इसका 6GB 128GB वाला वेरिएंट है वो वाला। अब स्पेसिफिकेशन की बात करें दोस्तों तो दिखता बहुत कमाल का है, क्योंकि पंच होल डिस्प्ले के साथ आया हुआ है दोस्तों और दोनों साइड ग्लास है, मस्त दिखता है दोस्तों। 6.4 इंच का डिस्प्ले है फुल HD प्लस का और 19:3:9 का एस्पेक्ट रेशियो है, 93% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो बता रहे हैं ऐसा ये लोग, बट मुझे नहीं लग रहा कि उतना होगा, थोड़ा कम ही होगा। एंड रियर साइड पे ग्लास है, फ्रंट साइड पे भी ग्लास ही रहेगा, सीधी बात है। रियर साइड पे ट्रिपल कैमरा का सेटअप दिया हुआ है, उसमें फ्लैश भी है, देन उसके बाद बीच में फिंगरप्रिंट स्कैनर है, नीचे नोकिया की ब्रांडिंग है। और स्मार्टफोन सच में बहुत कमाल का दिखता है और ये 20,000 के नीचे आया तो जरूर खरीदने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मुझे सच में बहुत पसंद आ गया दोस्तों। एंड उसके बाद प्रॉब्लम कहाँ आता है इसके, मैंने कहा कि 27,000 रुपये में आ रहा है तो दूसरा इसका अगर स्पेसिफिकेशन सुनोगे तो स्नैपड्रैगन 660 का प्रोसेसर है। अब स्नैपड्रैगन 660 का प्रोसेसर है तो दोस्तों आपको मालूम है इसका चार कोर ऑक्टा कोर होता है, जिसका चार कोर 2.2 GHz पर क्लॉक्ड है, बाकी चार कोर 1.8 GHz पर क्लॉक्ड है और एड्रीनो 512 GPU के साथ आता है। तो ठीक है सारी चीज़ें, प्रॉब्लम उसमें नहीं है, प्रॉब्लम इसकी प्राइसिंग में है। ये प्रोसेसर के साथ प्राइसिंग 26-27,000 रुपये, उसमें प्रॉब्लम है। और एंड्रॉइड 9 पाई पे आएगा, जो कि एंड्रॉइड 1 प्रोग्राम पे चल रहा है तो स्टॉक एंड्रॉइड के साथ आता है दोस्तों, तो वो अच्छी चीज़ है। देन उसके बाद कैमरास की बात करें तो कैमरा में कमाल का है दोस्तों। इसमें 48 मेगापिक्सल का कैमरा दिया हुआ है, जो कि अब यहीं पे इशू होता है इसका, F1.8 का अपर्चर है। मैंने एक रिपोर्ट में पढ़ा कि सोनी का सेंसर दिया हुआ है, लेकिन सोनी का सेंसर 660 पे कैसे सपोर्ट करेगा 48 मेगापिक्सल। मेरे हिसाब से आइसोसेल का G1 का सेंसर है, अब मुझे नहीं पता कौन सा है, लेकिन मैंने कहीं रिपोर्ट में, द वर्ज करके वेबसाइट है उसके रिपोर्ट में पढ़ा है कि सोनी IMX586 का सेंसर दिया हुआ है 48 मेगापिक्सल वाला। अब श्योर नहीं हूँ मैं, वो लोगों ने लिखा है लेकिन आपको मालूम है जैसे कि 660 में सपोर्ट करता नहीं है। देन उसके बाद दूसरा कैमरा जो है दोस्तों वो 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस है, जो कि 120 डिग्री तक आपको फोटोज दे देगा। देन उसके तीसरा वाला जो है 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है, तो ट्रिपल कैमरा दिया हुआ है, अच्छा दिखता है स्मार्टफोन और कैमरा सच में अच्छा है। 16 मेगापिक्सल का फ्रंट है जिसका अपर्चर F2.0 का है, तो वहाँ से भी अच्छे फोटोग्राफी हो जाती है। रियर साइड से 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो, फ्रंट साइड से नहीं कर सकते। स्लोमो का अभी पता नहीं चला है, जैसे ही पता चलेगा मैं बता दूंगा आपको कमेंट सेक्शन में लिख के कि स्लोमो कर सकते हैं कि नहीं। और बाकी सारी चीज़ें अच्छी हैं स्मार्टफोन में। उसके बाद बैटरी की बात करें तो इस बार थोड़ा सा सुधार किया है, क्योंकि 3500 mAh की बैटरी दिया हुआ है। देन उसके साथ आपको क्विक चार्ज 4 का सपोर्ट और 18W का चार्जर भी मिलता है, सबसे बड़ी बात इसमें 18W का चार्जर मिलता है, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। उसके बाद बात करोगे तो टाइप सी का पोर्ट है, तो सारी चीज़ें हैं इसमें, कोई इशू आने वाला नहीं है। 4000 दे तो खुश हो जाता था, लेकिन 3500 भी ठीक ठाक बैटरी है दोस्तों, स्टॉक एंड्रॉइड पे तो और भी अच्छा चलेगा वो। उसके बाद स्लॉट की बात करोगे तो हाइब्रिड स्लॉट दिया हुआ है, आप कितना एक्सपांड कर सकते हैं अभी तक तो उसके बारे में पता नहीं चला है, लेकिन हाइब्रिड स्लॉट है। एक ही वेरिएंट आया वहाँ पे, 6GB रैम और 128GB इनबिल्ट स्टोरेज वाला, जिसकी प्राइस 26-27,000 रुपये के आसपास है। सेंसर्स की बात करें, सारे सेंसर्स से कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा, बैक साइड पर रियर साइड पर आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलेगा, एक्सेलेरोमीटर, हेड लाइट सेंसर, बाकी सारी चीज़ें मिल जाएंगी, वो तो नोकिया प्रॉब्लम करता नहीं है उसमें, तो ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको। फेस अनलॉक भी है तो वो भी आप कर सकते हो, तो इसमें कोई इशू आने वाला नहीं है। तो सेंसर वेंसर सब है, कोई प्रॉब्लम तो इसमें नहीं है। बट अब प्रॉब्लम कहाँ होता है, स्मार्टफोन सच में अच्छा है, प्रॉब्लम कहाँ होता है, 26-27,000 रुपये थोड़ा सा मुझे इशू लग रहा है। अगर ये 20,000 तक लॉन्च होता था तो मेरे हिसाब से एक कमाल का स्मार्टफोन हो सकता था, भले स्नैपड्रैगन 660 पे है, नोकिया की ब्रांड वैल्यू है, मुझे मालूम है सारी चीज़ें, लेकिन 26,000 बहुत ज़्यादा प्राइस है मेरे हिसाब से। जहाँ शाओमी, मुझे मालूम बहुत सारे लोग किससे कंपेयर कर रहे हो शाओमी का नोकिया का, लेकिन स्टिल शाओमी 10,000 रुपये में दे रहा है स्नैपड्रैगन 660, आप 26,000 रुपये में दे रहे हो। तो मेरे हिसाब से अगर 20,000 के नीचे तक आता है इसका 6GB रैम वेरिएंट तो इंडिया में बाय करेंगे, अदरवाइज मुझे नहीं लगता। अब इसके सेल की बात करें तो 30 अप्रैल से ये ताइवान में सेल होना स्टार्ट हो जाएगा। और जो रिपोर्ट आया है द वर्ज का, ये उन्होंने कहा था कि उन्होंने रिपोर्ट लिया है GSM एरिना से और पता चला है कि 30 तारीख के बाद, 30 अप्रैल के बाद 2 हफ्ते के अंदर ये ग्लोबल लेवल पे भी जाएगा वेस्टर्न मार्केट्स में। अब वेस्टर्न मार्केट्स मतलब हमारे लिए USA होता है, बट उनके लिए वेस्टर्न मार्केट्स हम लोग भी हैं,
तो इंडिया में भी ये दो हफ्ते के अंदर यानी 15th May 20th May तक आ सकता है। अब देखते हैं कब तक आता है, ये तो आने के बाद पता चलेगा। और मुझे लगता है कि ये वेरिएंट का प्राइस अगर 20,000 के नीचे रखते हैं तो ये सच में किल कर देगा बहुत सारे स्मार्टफोन को नोकिया की ब्रांड वैल्यू के साथ। आपको क्या लगता है जरूर बताइए, कैसा लगा वीडियो जरूर बताइए, स्मार्टफोन कैसा लगा बताइए, पसंद आया तो लाइक कमेंट और शेयर कर देना, नहीं पसंद आया डिसलाइक करना, मुझे बताना क्यों नहीं पसंद आया। और भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं उन्हें भी चेक कर सकते हो। और साइड में देखो वेक्टर इमेज दिख रहा होगा वो गोल सा, हाँ उसको क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।